सो हेलो एवरीवन, दिस इज साहिल अगेन बैक विद अ न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो में मैं विटामिन सी सीरम का रिव्यू करने वाला हूँ। तो आप देख सकते हो ये सन बोटानिका कंपनी की विटामिन सी सीरम है। सो इसी का कंप्लीट रिव्यू करेंगे। सो वीडियो का स्टार्ट करते हैं, बट मुझे लग रहा है आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर तो क्या कर रहे हो डूड, जल्दी सब्सक्राइब कर दो और पास में दिए बेल आइकन भी प्रेस कर दो। चलते हैं वीडियो तरफ। ओके सो आप देख सकते हो ये सन बोटानिका की विटामिन सी सीरम है। तो इसमें विटामिन सी 20% है। तो आप देख सकते हो विटामिन ई भी है, हेल्यूरोनिक एसिड भी है इसमें आप देख सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा रहता है हमारी स्किन के लिए, प्रोफेशनल फेशियल सीरम। तो इस पर अभी रैपर चढ़ा हुआ है, तो ये मैं यूज़ कर रहा हूँ। वैसे आप देख सकते हो ओपन है ये। तो अभी मैं इसको अंदर से भी दिखा देता हूँ। तो इसके बैक में भी यहाँ पर मैंशन देख सकते हो काफ़ी कुछ इन्ग्रीडियंट्स है। इसकी मैं साइड में पिक दे दूँगा। तो ये यहाँ पर साइड में इसका MRP भी है, 1799 MRP है। तो ये 800 की मिली है मुझे। तो आप ऑनलाइन बाय करना चाहते हो अमेज़ोन से कर सकते हो। अभी फेस्टिवल सीज़न चल रहा है तो काफ़ी सेल लगी हुई है, तो ये भी काफ़ी कम प्राइस पे मिल गई मुझे। तो अगर आपको भी ये बाय करनी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो अभी मैं इसको अंदर से दिखा देता हूँ। सो आप देख सकते हो सही। सो अभी मैं इसको यूज़ करके भी दिखाऊंगा आपको। तो आप देख सकते हो इसका कलर भी ट्रांसपेरेंट है। तो अभी मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ आपको कैसा कलर है इसका। सो देख सकते हो इसकी पाइप में है ये, तो ट्रांसपेरेंट कलर है इसका बिल्कुल। तो विटामिन सी सीरम के काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। अगर आपके डार्क स्पॉट्स है तब आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी स्किन काफ़ी रिंकल्स वगैरह आपकी स्किन पे, तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करते हो तो कहते हैं अगर आपकी काफ़ी एज हो जाती है तो आप काफ़ी यंग लगते हो, मतलब आपकी स्किन डल वगैरह दिखने लग जाती है। तो वैसा कुछ भी नहीं दिखेगा अगर आपकी काफ़ी एज हो जाती है, अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करते रहते हो। तो अगर आप इसको यूज़ करोगे आपकी स्किन काफ़ी अच्छी हो ही जाएगी, ब्राइटन हो जाएगी, ग्लोइंग दिखेगी आपकी स्किन, जो भी डार्क स्पॉट्स वगैरह वो भी चले जाएंगे। तो ऐसा नहीं है ये पिंपल्स में वर्क करती है कि आपके पिंपल्स है तो आप इसको लगाओगे पिंपल्स चले जाएंगे, तो पिंपल्स में इतना ये वर्क नहीं करती। अगर किसी के ब्लैक हेड्स हैं या वाइट हेड्स हैं तो मुझे नहीं लगता इतना वर्क करती है ये। अगर आपकी स्किन पर डार्क स्पॉट्स है उसमें भी ये वर्क करती है, बट काफ़ी डीपली डार्क स्पॉट्स है तो उसमें टाइम ले सकती है ये, नहीं तो आप कोई और ट्रीटमेंट या क्रीम वगैरह यूज़ कर सकते हो। कुछ लोग डर्मा रोलर के साथ भी यूज़ करते हैं विटामिन सी सीरम को। तो विटामिन सी सीरम वैसे कॉस्टली काफ़ी आती हैं, कम प्राइस वाली विटामिन सी सीरम यूज़ करते हैं तो हो सकता है उसमें कुछ कमी रहती होगी, उसी कारण वो उसका प्राइस कम होता है। बट जो कॉस्टली विटामिन सी सीरम होती है उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो यही मैंने तो बाय की थी, तो मैंने पहले 400 रुपीज़ वाली माउंटेनर की विटामिन सी सीरम यूज़ की थी। तो ये अब मैंने 800 वाली बाय की है। तो इससे आगे पता नहीं मैं कौन सी बाय करूँगा और कैसे उसको भी यूज़ करके देखूँगा। तो ये सीरम काफ़ी अच्छी है, मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं इसको नाइट में डेली अप्लाई करता हूँ। तो कुछ लोग होते हैं मॉर्निंग में अप्लाई करते हैं, तो मॉर्निंग में मैं अप्लाई इसलिए नहीं करता, कहते हैं लाइट में विटामिन सी सीरम ख़राब हो जाती है। कुछ लोग करते भी है मॉर्निंग में अप्लाई, तो मुझे ज़्यादा बेटर लगता है नाइट में अप्लाई करना सोने से पहले। तो इससे क्या होता है आपकी स्किन मॉइस्चराइज भी रहती है, अगर आप इसको नाइट में लगाते हो आपकी स्किन ड्राई नहीं रहती। तो आप लोगों को भी पता है मैं कितने सारी क्रीम्स वगैरह यूज़ करता हूँ, फेस वॉश वगैरह बदलता रहता हूँ, तो मेरी स्किन भी फटने लग जाती है, मेरी स्किन ड्राई हो जाती है। मेरी स्किन वैसे ऑयली है तो बट ड्राई हो जाती है और फटने लग जाती है। तो मैंने इसको परचेज़ किया है, तो मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छी। अगर आप इसको परचेज़ करके यूज़ करना चाहते हो कर सकते हो। तो इसका कलर बिल्कुल वाइट ट्रांसपेरेंट है, मतलब तो कहते हैं ट्रांसपेरेंट कलर वाली विटामिन सी काफ़ी अच्छी होती है, मतलब ओरिजिनल मानी जाती है। और येलो जिसका कलर होता है वो कहते हैं कि थोड़ी पुरानी हो गई होगी तो उसके कारण येलो हो जाता है उसका कलर। तो ऐसा नहीं है कि उसका रिजल्ट नहीं मिलेंगे, उसका रिजल्ट कम मिलेंगे। तो ये काफ़ी अच्छी है, इसका ट्रांसपेरेंट कलर है। तो इसमें पहले येलो कलर भी आता था, आई डोंट नो कैसे, बट ये अभी ट्रांसपेरेंट कलर है इसका। तो मैं अभी यूज़ करके भी दिखा देता हूँ। तो इसको आपको नाइट में यूज़ करना, अगर जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो मेरी बात मानते हैं तो इसको नाइट में यूज़ करना, आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। डेली नाइट में लगाना आप इसको फेस वॉश करने के बाद सोने से पहले। तो अभी मैं लगा के दिखा देता हूँ। तो इसके साथ पंप मिला है, तो अभी देख सकते हो आप। मैंने हैंड में ले लिया, आप देख सकते हो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, कोई भी कलर नहीं है इसका। तो अभी मैं इसको अपनी स्किन पे लगा लेता हूँ। तो वैसे मैं इसको नाइट में अप्लाई करता हूँ, बट मैं अभी आपको अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। तो ये आपकी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है अच्छे से, तो मैं इसी वजह से लगाता हूँ। कुछ लोग तो मतलब बिल्कुल हैंड में रब करके बिल्कुल मतलब हैंड को टैप करते हैं अपनी स्किन पे इस वजह से, तो मैं वैसे नहीं लगाता, मुझे ये वेस्ट नहीं करनी है।
तो मैं पहले 400 रुपीज वाली विटामिन सी सीरम यूज करता था, तो मैं उसको यूज करता था, थोड़ी जलन होती थी मेरी स्किन पे स्टार्टिंग में। वैसे नहीं उसके लिए रेगुलर जलन होती हो मेरी स्किन पे, तो जलन होती थी, बट तो आप देख सकते हो बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो गई है। ओके, सो आप देख सकते हो मेरी स्किन पे ऐसा लग रहा है काफ़ी ग्लो आ रहा है, तो एक प्रोटेक्शन लेयर सी बन गई है मेरी स्किन पे। तो इसको आप रेगुलर यूज़ करोगे, 2 से 3-4 मंथ्स यूज़ करोगे, तो आपकी स्किन काफ़ी अच्छी ब्राइटन दिखने लग जाएगी, और आपकी स्किन पे डार्क स्पॉट्स है या रिंकल्स वगैरह उस पर भी काफ़ी वर्क करती है ये। तो आप इसको यूज़ करना चाहो कर सकते हो, आपकी स्किन के लिए काफ़ी अच्छी है। तो मैंने पिछले विंटर्स में भी यूज़ किया था और इसी विंटर्स में भी यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं हर विंटर्स में यूज़ करता हूँ ऑयली स्किन पे। तो आप देख सकते हो अगर आपकी ऑयली स्किन है तो मुझे विंटर्स के लिए काफ़ी बेस्ट लगती है ये। विटामिन सी सीरम आप यूज़ करने से पहले इसको टेस्ट भी कर लेना अपनी नेक पे लगा के या ईयर के पीछे लगा के, अगर आपको लगता है एक दिन के लिए छोड़ देना, अगर आपको लगता है आपकी स्किन पे रेडनेस हो रही है या कुछ हो रहा है इरिटेशन वगैरह, तो आप यूज़ मत करना। अगर आप लेना चाहते हो तो अच्छे ब्रांड पे इन्वेस्ट करो कोई भी, तो ये इंडियन ब्रांड है सन बोटानिका, अगर आप यूज़ करना चाहते हो कर सकते हो। तो ये इस वजह से ओपन होती है, ये देख सकते हो ऊपर एक इसके कैप लगी हुई आती है, तो इससे क्लोज हो जाती है, तो इसको हटाकर आपको पंप करके यूज़ करना है। तो इसको आप फ्रिज वगैरह में रख लेना, फ्रिज में काफ़ी अच्छी रहेगी, लाइट से प्रोटेक्ट रखना आपको इसको। तो मैं इसको वापस अगेन पैक करके ही रख देता हूँ जिसके कारण इस पर लाइट ना पड़े ज़्यादा। और तो आप देख सकते हो मैंने अगेन पैक कर दिया, तो मैं ऐसे ही इसको फ्रिज में रख दूंगा, मैं चाहता नहीं इस पर कोई लाइट वगैरह पड़े या ये ख़राब हो जाए। तो इसको मैं बिल्कुल अच्छे से यूज़ कर रहा हूँ, अगर आप यूज़ करना चाहते हो कर सकते हो। तो अभी इसका प्राइस काफ़ी डाउन है, तो आप लेना चाहते हो ले सकते हो, पहले ये 1000 रुपीज़ की मिल रही थी, तो अभी ये 800 की मिल रही है, तो आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से बाय कर सकते हो। तो आप इसको नाइट में यूज़ करना, मैंने पहले भी बता दिया, तो आप नाइट में यूज़ करना, कॉज मुझे अच्छे रिजल्ट लगे नाइट के, तो आप नाइट में यूज़ करना इसको फेस वॉश करने के बाद। तो दिन में क्या होता है, हम इसको लगा के बाहर जाते हैं तो काफ़ी डर्ट वगैरह होती है, तो वो भी हमारी स्किन पे आ जाती है, तो मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। हम मतलब इतना कुछ लगा के चले जाओ, पहले इसको लगा लो, फिर मॉइस्चराइज़र लगा लो, ऊपर से सनस्क्रीन लगा लो, तो फेस काफ़ी अजीब सा, मुझे इरीटेट सा फील होता है कि इतना कुछ लगा हो फेस पे, तो उसके कारण क्या होता है डर्ट भी हमारे फेस पे आ जाती है, तो वो हमारे पोर्स में चली जाती है, ये सब बिल्कुल अजीब सा लगता है। तो आप इसको लगा के सन में ना जाओ तो अच्छा है, कोस कहते हैं ना विटामिन सी को सन में यूज़ करोगे मतलब लाइट में रखोगे तो ये ख़राब हो जाती है, तो इसके उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते। तो आप इसको डेली नाइट में यूज़ करो, तो नाइट में यूज़ करोगे आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। सो यही थी हमारी आज की वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। तो ये मेरी इंस्टा आईडी, अगर आपको कोई भी क्वायरीज हो किसी भी वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे यहाँ पे पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।